83 तक जो एलिमेंट है वो स्टेबल माने जाते हैं और 83 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 84 से तो वो एलिमेंट सारे रेडियो एक्टिव माने जाते हैं। ठीक, यानी हमें बोलेंगे कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर जेड ग्रेटर देन 83 आर रेडियो एक्टिव इन नेचर ठीक ना। 84 से ये मान लीजिए कि एलिमेंट अनस्टेबल होने लग जाएंगे और रेडियो एक्टिव होते जाएंगे। ठीक, हम इसके लिए बोलते हैं कि लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई इज बिस्मथ, जिसके लिए जेड हम लेते हैं 83। ठीक, 83 के पहले स्टेबल मानते हैं अपन इनको और 84 से रेडियो एक्टिव स्टार्ट हो जाएंगे। रेडियो एक्टिव होने का मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिविटी मींस डीके, इसको अपन ऐसे लिखें, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, नेचर में जो रिएक्शन बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी मीन्स स्पॉन्टेनियस डीके। डीके को ही हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, डीके ऑब्लिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल एटम इनटू स्टेबल न्यूक्लियस या स्टेबल एटम। तो नेचर में ऐसा होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अपने आप डीके करते हुए किसी और एटम में चेंज होने की कोशिश करते हैं अपने आप। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी। जैसे फॉर द एग्जांपल 6C14 कार्बन का आइसोटोप है, ये अनस्टेबल है नेचर में, तो पड़े पड़े ये डिसइंटीग्रेशन होगा इसका और ये नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट होने लग जाता है 7N14। तो एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो रहा है अपने आप, ठीक, लेकिन वो कन्वर्ट होगा जो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल कन्वर्ट हो रहा है स्टेबल में। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, अब जब रेडियो एक्टिविटी होगी तो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे, जैसे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो साथ में ड्यूरिंग डीके अल्फा बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज आर फॉर्म्ड। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें उसके दौरान वो क्या करता है, अल्फा एमिशन या बीटा एमिशन और साथ में गामा रेज का एमिशन, ये दोनों तो पार्टिकल है अल्फा और बीटा। ठीक है, और गामा यहां पे रेज का काम करती है, तो ये क्या होते हैं, ये देख रहे हैं, नोट कीजिए फटाफट इनको। अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं, हम हीलियम न्यूक्लियस को। अगर हम हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो +2 चार्ज आ जाएगा और इस हीलियम न्यूक्लियस में बच जाएंगे 2 प्रोटॉन +2 न्यूट्रॉन। इसी चीज को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2He4B, ऐसे भी लिखा जाएगा इसे। ठीक है, तो ये अल्फा एमिशन हो सकता है। अगर इसकी वेलोसिटी हम देखें तो इसकी वेलोसिटी होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि लगभग इसकी स्पीड होगी 3×10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो है पहला पार्टिकल जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक,
क्लियर आप कर दोगे? बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल को हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। बीटा माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम साइन कौन सा यूज करते हैं? माइनस वन ई जीरो। माइनस वन का मतलब चार्ज और जीरो मतलब मास। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए इसके ऊपर ये भाई जब रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं तो ये तो होता है चार्ज और ये होता है मास, तो मास इसका जीरो मान के इस तरीके से लिख दो। बीटा प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का जो साइन है वो एग्जैक्टली यही है, बस अंतर ये है यहां प्लस वन चार्ज आ जाता है। तो पॉजिट्रॉन इज आइडेंटिकल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस चार्ज का अंतर है या माइनस वन या प्लस वन। अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें तो इसकी वेलोसिटी होती है लगभग 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की तुलना में बीटा पार्टिकल ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, तो बीटा पार्टिकल की, ज्यादा स्पीड से ही मूव कर सकता है, ठीक। तीसरा जो अपने पास अल्फा बीटा के साथ तीसरी चीज है वो है गामा रेज। अब एक्चुअली जो गामा रेज है ये पार्टिकल नहीं है, गामा रेज जो है इनको लिखने का तरीका अपन ऐसे लिखते हैं, जीरो गामा जीरो, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अगर हम प्लेट लगाएं प्लस माइनस, तो अगर अल्फा को देखें तो अल्फा देखने का तरीका किधर मूव कर जाएगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है। ये किधर मूव कर जाएगा? माइनस पार्टिकल प्लस की तरफ, और ये माइनस की तरफ। गामा रे जो है वो न्यूट्रल है। वास्तव में क्या होती है, दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ही, इनको अपन ये भी बोल सकते हैं फोटोन्स। तो ऐसा होता है कि ड्यूरिंग डीके एनर्जी को एमिट करने के लिए साथ में गामा रेस निकलने लग जाती है। जब किसी भी रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिना हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो एनर्जी को एमिट करने लग जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁻ मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये फोटोन ही है। तो जब भी रेडियो एक्टिव, जैसे अगर अपन बात करें एटम बम की, न्यूक्लियर बम, तो उसके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन होता है वही रेडियो एक्टिविटी एक तरह से, हम उसको फोर्सफुली करवाते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसके दौरान भी साथ में जो है गामा रेस निकलती है। तो जो मेजर डिस्ट्रक्शन होता है एटम बम से, उसका रीजन होता है गामा रेस। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी आसपास चीजों को मेल्ट करने में लग जाती है ना। तो गामा रेस सिर्फ एनर्जी है, जबकि अल्फा बीटा पार्टिकल्स। अगर हमसे पूछा जाए कि पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो ये होगी गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। और अगर हमसे बोला जाए आयोनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, तो आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है कि गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना या उसको आयंस में कन्वर्ट करना। तो बीटा तो न्यूट्रल है, तो इसकी लिस्ट होगी, इसको हम कह सकते हैं निल आयोनाइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा अल्फा, फिर बीटा और लास्ट में गामा रेज। अल्फा ज्यादा क्यों है बीटा से? क्योंकि अल्फा पे चार्ज ज्यादा है, प्लस टू चार्ज है, जबकि बीटा पे माइनस वन चार्ज। तो ये ऑर्डर होगा पेनिट्रेटिंग पावर और आयोनाइजिंग पावर। नोट की कि ड्यूरिंग डीके एटम गोज इनटू हायर एनर्जी लेवल, अगर एटम की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, सो टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, so to increase stability energy is emitted in the form of gamma rays,
इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। ठीक, ठीक। प्रैक्टिकली इसमें दो चीजें ऑब्जर्व की है। पहली चीज तो ये है कि जब जेड लेस देन 20 होता है तो जो आइडियल एन बाई पी रेशियो है, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो, इट शुड बी इक्वल टू 1 फॉर स्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि 20 से कम वाले एलिमेंट में अगर एन बाई पी रेशियो 1 है तो इसका मतलब वो एलिमेंट स्टेबल है, यानी रेडियो एक्टिव नहीं है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं लू 6C12 7N14 8O16। अगर आप इन सब में काउंट करें तो न्यूट्रॉन यहां 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन यहां पे 7, प्रोटॉन 7, और यहां पे न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 8। तो इन सब एलिमेंट में क्या होगा, N बाई पी रेशियो क्या है, 1, तो ये स्टेबल होंगे। अगर N बाई पी रेशियो इस 1 से डेविएट कर जाएगा बहुत ज्यादा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर हम 6C14 की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन 8 होगा और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 6। तो N बाई पी रेशियो इससे डेविएट कर गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि दिस एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। ऐसा कहां तक होता है, 20 तक। उसके बाद जो दूसरा है केस कि जेड ग्रेटर देन 20, तो जेड ग्रेटर देन 20 वाले के लिए, मतलब ये इक्वल कर सकते हो आप लेस देन इक्वल 20, वो एक रफ रूल है, एक्चुअली कर्व पे बेस्ड है। जेड ग्रेटर देन 20 में एन बाई पी रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है फॉर स्टेबिलिटी। यानी आप जितने भी हायर एलिमेंट देखोगे उन हायर एलिमेंट में हमेशा आपको न्यूट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल 82Pb206, अब इसमें आप अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखो तो 82 होंगे और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें से माइनस कर दें 124। तो जेड ग्रेटर देन 20 के लिए एन बाई पी रेशियो शुड बी मोर देन 1। अब ये चीज हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट मिल रखे हैं नेचर में सबके लिए एन बाई पी रेशियो निकाला, उसके बेसिस पे क्या किया, बस लास्ट है ये तो रख कर दूं। इसको हम बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है कि न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो 20 तक तो ये कर्व जाता है स्ट्रेट लाइन, यानी जितने न्यूट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे 20 तक। 20 से ऊपर जो है ये कर्व जो है इस तरीके से इधर टिल्ट कर जाता है, मतलब कि न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाता है प्रोटॉन से, कर्व हायर साइड में इस तरीके से चला जाएगा। और इसके साथ यहां पे एक रीजन में ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से कि ये जो है ये पूरा जो रीजन है इसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। कहने का क्या मतलब है कि 20 तक तो आइडियल क्या होना चाहिए, एन बाई पी रेशियो 1 होना चाहिए, लेकिन अगर 20 तक में भी किसी एलिमेंट में एन बाई पी रेशियो डेविएट कर जाएगा, मान लो एलिमेंट यहां आ जाए या यहां आ जाए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रेडियो एक्टिव। 20 से ज्यादा वाले में न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा होता ही है सभी में, ठीक है, तो कर्व उसका किधर जाता है, इस तरफ। अब ये वो रीजन है जहां स्टेबल होगा एलिमेंट। मान लो किसी एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटोप मिल रहे हैं और सभी आइसोटोप इसी रेंज में है तो सारे स्टेबल होंगे, रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई आइसोटोप यहां आ गया या यहां आ गया तो फिर वो क्या बन जाएगा, रेडियो एक्टिव। यानी अगर किसी में एन बाई पी रेशियो डिजायर से ज्यादा है तो उसे कम करना चाहेगा, और अगर किसी में एन बाई पी रेशियो डिजायर से कम है तो उसे बढ़ाना चाहेगा। इस बार जे एडवांस का क्वेश्चन यही था कि एन बाई पी रेशियो अगर ज्यादा है कम है तो फिर बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा था, ठीक है ना। तो वो चीज तो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, समझ गए बात हो।
ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कर्व है, और इसी बेल्ट में स्टेबल आइसोटॉप जो है लाई करते हैं, इसके परे चला जाएगा या इधर चला जाएगा तो वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव। तो फिर रेडियो एक्टिव होने का क्या मतलब है कि अगर यहां पर है तो किसमें आना चाह रहा है, इसमें। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस किसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है, स्टेबल। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसके दौरान एमिशन अल्फा बीटा का होता है और साथ में एनर्जी निकलती है गामा रेस की फॉर्म में।